हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्काई अपीयर, जो स्काई है वो प्रतीत होता है ब्लू कलर का, एज जैसा कि इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑल कलर, सभी कलर्स को, एंड रिफ्लेक्ट, और केवल रिफ्लेक्ट करता है ओनली ब्लू, केवल ब्लू कलर को। ठीक, अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान से हम समझें तो देखिए सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा कौन है स्काई, स्काई हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट डिफिनिट का रूल कहता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एसईएस लगाना पड़ेगा, एसएस है तो इसका अपीयर्स करता है कैसे, ब्लू कलर ही हो गया, एज जैसा कि इट। अब देखिए इट किसके लिए है, चूंकि इट आया है देखिए स्काई के लिए आया है, इट जो कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन देखिए क्या है स्काई, और स्काई का प्रोनाउन क्या है लगाएगा इट, तो ठीक है इट सिंगुलर है, जब इट सिंगुलर है तो इसके बाद देखिए फिर से आया है वर्ब एब्जॉर्ब, तो इसमें भी एस लगा है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट डिफिनिट में क्या लगाते हैं हम, एसईएस का यूज करते हैं, तो एस यहां लगाया गया है एब्जॉर्ब में एस, तो ठीक है ऑल कलर, इट एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब कर लेता ऑल कलर, ऑल हमारा क्या है एक ऐसा प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव कह सकते हैं जिसके बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, प्लूरल नाउन किया जाता है, तो प्लूरल नाउन भी आया है, एंड रिफ्लेक्ट, अब देखिए रिफ्लेक्ट भी क्या है एक वर्ब है, ठीक, और वर्ब में देखिए एसईएस लगा है तो ये किसके लिए वर्ब काम कर रही है, ये वर्ब काम कर रही है हमारी जो कि स्काई आया है, तो स्काई देखिए हमारा क्या था सिंगुलर था, तो इसीलिए इसके लिए दूसरी वर्ब एक यूज की गई रिफ्लेक्ट, यह रिफ्लेक्ट करता है कौन, स्काई की बात कर रहा है, ओनली ब्लू, केवल ब्लू कलर। ठीक, अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो सारे फैक्ट तो इसमें ठीक लग रहे हैं, वर्ब भी ठीक है, प्रोनाउन भी ठीक है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम एक्चुअल इसमें नहीं है, आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक पूछा गया है इस सेंटेंस में। अब आर्टिकल से क्या है तो याद रखना है आपको कि स्काई हो गया, यूनिवर्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, क्लाउड हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गया, इन सब के पहले हमेशा याद रखिएगा द का यूज किया जाता है, यहां देखिए स्काई वर्ड है लेकिन स्काई नहीं होता, द स्काई होता है, तो हमेशा क्या रखनी है, कभी भी आ जाए जैसे आ गया स्काई हो गया, यूनिवर्स हो गया, लाइट हो गया, इन सब के साथ आर्टिकल हम क्या करते हैं द का यूज करते हैं, मतलब जितनी भी यूनिक चीजें हैं इस दुनिया में, जितनी भी अद्वितीय चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं, उन सब के पहले हम क्या लगाते हैं द का यूज करते हैं, उन्हीं में से स्काई को भी रखा गया है, तो स्काई के पहले हमेशा क्या लगता है द का यूज होता है, इसलिए यहां द मिसिंग है, तो यहां द लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस पोर्शन में क्या है यहां पे एरर है, अभी देखेंगे ऑप्शन में कहां है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहां स्काई नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए था द स्काई होना चाहिए था, जो कि द यहां मिसिंग है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहां पे हम टिक कर देंगे।